नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें कि हम चुनिंदा प्रश्न ला के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, याद कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप चीज़ें अच्छे दिनों तक याद कर सकते हैं। हालांकि आपको आज लाइट थोड़ा डिम लग रहा होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब बारिश का सीज़न आती है तो लाइट डिम हो जाती है और जो बल्ब हैं सामने वाले वो सब फ्यूज हो गए हैं, क्योंकि आपको तो पता है बिहार में बाहर नहीं बाढ़ है और बाढ़ की वजह से बिजली वगैरह का भी इस तरह का सिचुएशन है। तो कोई नहीं, आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा, बाकी तो हम बोल के समझाएंगे ही। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है ज्योग्राफी से। अपन इंडिया का ज्योग्राफी की बात करें तो पूछा जाता है जो तटीय रेखा है, या आप कह सकते हैं तटीय कुल लंबाई भारत की क्या है। तो कुल की बात करें और एक बात करता है कि आइलैंड की, और एक बात करता है आपके जो मेन लैंड है उसकी। यानी कि तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तटीय जो लैंड है उस पर तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कुल तटीय लेंथ कितना है, और एक प्रश्न बनता है कि आइलैंड का तटीय जो लेंथ है वो कितना है, और एक बनता है कि मेन लैंड का तटीय जो लेंथ है वो कितना होता है। जैसे कि अगर आप ये इंडिया बनाते हैं तो ये यहाँ से ये जो तटीय लैंड है ये है मेन लैंड, और अगर हम बात कर लें इसमें ये लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप सभी है और दादर नागर हवेली, ये सभी चीज़ को जोड़ लेते हैं तो बन जाता है कुल। तो अगर मेन लैंड की बात करें और तटीय की बात करें वो अलग हो जाता है। तो अगर हम कुल की बात करें यानी कि ये सभी मिला के बात करें तो कितना लंबाई है, 7516.6 किलोमीटर है कुल। और अगर सिर्फ आइलैंड की बात करें, ये सभी आइलैंड की बात करें, तो आइलैंड का जो कुल लंबाई है तटीय लंबाई वो कितना है, 2094 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 2094 किलोमीटर। देखिए, हम इतना लंबा फिगर तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन रहेगा तो हम छाट सकते हैं। अक्सर आपने एक गाना सुना होगा, सात समंदर पार, ठीक है, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। पता नहीं किसका गाना है, परमात्मा का या कुछ ऐसा नाम है मूवी का, मिथुन चक्रवर्ती का एक गाना है। तो सात समुंदर पार यानी कि समुद्र से सटा हुआ है इंडिया का ये तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र क्या होता है, समुद्र से ही सटा होता है, यानी कि समुद्र स्टार्ट हो जाता है तो सात स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये सभी चीज़ें याद कर लेंगे। हालांकि एग्जैक्ट फिगर आपसे पूछा नहीं जाएगा, कहीं कहीं कुछ और दे देगा, मतलब कि कुछ कुछ वेरी करेगा, लेकिन इतना तो आप समझ गए होंगे कि सात आगे है। ठीक है, सात यहाँ पे स्टार्ट होगा, उसके बाद 5.16। और अगर हम बात करें आइलैंड की तो आइलैंड का इतना होता है 2094। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मेन लैंड की आ जाएगी। तो मेन लैंड का अगर पूछे तो आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, मोटे मोटे तौर पे पूछेगा। यहाँ पे 75 के जगह दे देगा 71, या आपको 61 दे देगा, या आपको मतलब कि 56 दे देगा, इस तरह से, मतलब कि थोड़ा डिफरेंस दे के याद करना, ऑप्शन में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस दे देगा, तो इतना तो याद रहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं भारत के कुल तटीय लंबाई। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो याद कैसे कर सकते हैं, देखिए कोई भी किसी प्रदेश का राजा होता है तो वो उसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि कुछ भी घटना होती है तो राजा पे दोष आ जाता है, होता ना। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ भी उस जगह होती है तो हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय वहाँ का राजा कौन था, यानी कि कोई भी घटना होती है तो उत्तरदायी कौन होता है, उस जगह का राजा होता है, यानी कि राजा जी उत्तरदायी हमेशा होते हैं, यानी कि उत्तरदायी मतलब उत्तराखंड, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। कवास गैस विद्युत परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में, और गुजरात के पूछा जाए जगह है तो सूरत में है। ठीक है, सूरत में, इस तरह से सूरत में है। कवास गैस विद्युत परियोजना कहाँ पे है, सूरत में है। सूरत कहाँ पे है, गुजरात में। याद करने का तरीका देखिए, अक्सर आप मोदी हेटर की बात करें, देखिए हम पॉलिटिकल मैटर में नहीं जा रहे हैं, बस याद करने का तरीका बता रहे हैं कि अक्सर कहते सुने होंगे लोगों को कि मोदी जी बकवास करते हैं। ठीक है, और मोदी जी जैसे ही दिमाग में आता है तो गुजरात दिमाग में आता है कि गुजरात के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम याद करेंगे कि कवास गैस विद्युत परियोजना कहाँ की है, गुजरात की है। ठीक है, याद हो जाएगा, कैसे याद करना है आपको मैंने बता दिया। दादरी भी एक गैस विद्युत परियोजना है, आपसे ये पूछा जाएगा कि दादरी है वो किस तरह का परियोजना है, किस तरह से यहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है, गैस से, पेट्रोल से या वाटर से, किस तरह से, ये भी प्रश्न मतलब छेड़ेगा तो कुछ भी छेड़ सकता है। तो दादरी, पहले तो आपको ये तो पता है कि दादरी कहाँ पे है,
काफ़ी फेमस जगह है, मार धार से भरपूर यहाँ पे मनोरंजन की चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब कि थोड़ा दंगे वंगे होते रहते हैं। तो हाँ, तो ये है आपके यूपी में। और यहाँ पे जो गैस विद्युत परियोजना एक है, ठीक है, ये आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में ये आपके दादरी पड़ता है, ठीक है, आपके दिल्ली से सटा ही ये जगह है दादरी। तो दिल्ली से सटा गाजियाबाद, ये सभी जगह गैंग वैंग चलते रहते हैं ना, तो अगर आप लोग रहते होंगे तो वहाँ पे तो आपको पता होगा। आगे गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, उरीबेला में। देखिए ज्ञान की प्राप्ति आपको याद करा सकते हैं कैसे, कि सुबह का बेला हो या कोई बेला में आपकी ज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे शांति होती है। होता ना कि सुबह में कहते हैं लोग अक्सर, आप अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को कहते हुए सुने होंगे कि सुबह का पढ़ाई मतलब कि बेस्ट होता है, एकदम से शांति में होता है। इस तरह से अक्सर मुझे सुनाया जाता था, मतलब कि मेरे मॉम डैड कहते हैं कि सुबह में पढ़ा करो, रात को जल्दी सो जाया करो, मतलब कि ये बचपन में, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, सुबह का बेला, उसी को हम बेला से रिलेट करेंगे कि उरुबेला में हुई थी, ठीक है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देख लेते हैं, जॉर्ज फिफ्थ जो कि इंग्लैंड के राजा थे, अभी भी राजा होते हैं। तो जो जॉर्ज फिफ्थ थे वो दरबार लगाए थे दिल्ली में, दिल्ली में दरबार लगाए थे। कब लगाए थे, 12 दिसंबर 1911 को आए थे, ठीक है। किनके समय आए थे, ये वायसराय यहाँ के कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, या ये रहे थे 1910 से 1916 तक रहे थे। अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था, बिहार का बंटवारा हो गया था यानी कि, और इनके समय ही मैकमोहन रेखा खींचा गया था 1914 में। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। याद करने का तरीका, भाई कोई राजा आ रहे हैं तो होता ना कि नेता जब आते हैं तो बहुत सारे जगह पे होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, होर्डिंग मतलब पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि फलाना नेता यहाँ पे आने वाले हैं फलाना दिन। तो उसी तरीके से जब राजा आ रहे हैं तो सभी को सूचना देने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, सभी जगह मतलब कि गांव मोहल्ले सभी जगह होर्डिंग लगा दिया, होर्डिंग मतलब पोस्टर लगा दिया कि जॉर्ज पंचम हमारे जो राजा हैं, इंग्लैंड के राजा हैं, वो आने वाले हैं, इंडिया में आने वाले हैं। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग के समय ही ये जॉर्ज फिफ्थ आए थे, कब आए थे, 1911 में, ठीक है। अब इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण इन्हीं के मतलब कि रिस्पेक्ट में हुआ था, आगमन के रिस्पेक्ट में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। इससे मैंने एक प्रश्न और बताया कि जो आपके चाइना के साथ मैकमोहन रेखा खींचा गया था, इन्हीं के समय खींचा गया था। तो आप ये भी मतलब कि याद कर सकते हैं इसको इस ट्रिक से कि चाइना के पास जो लोग होंगे यानी कि जो बॉर्डर पे लोग होंगे वहाँ पे होर्डिंग के थ्रू बता दिया जा रहा होगा 1914 में कि देखो भाई एक रेखा मैं खींच रहा हूँ होर्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा एक रेखा खींचा गया, मतलब मैकमोहन के द्वारा खींचा गया उनके समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में वो होर्डिंग लगा के सब जगह ये बता दिया कि यहाँ पे मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, जिसको उधर जाना है उधर चले जाए और जिसको इधर आना है भारत में आना है वो इधर चले आए। मतलब कि इस तरह से हम कहानी बना के और भी चीज़ें इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि लॉर्ड होर्डिंग के समय मैकमोहन रेखा भी खींची गई थी, ठीक है। तो दोनों को हम याद कर सकते हैं कि भारत आगमन के समय जॉर्ज फिफ्थ का भारत आगमन के समय कौन थे और मैकमोहन रेखा खींची गई थी, तो यहाँ पे वायसराय कौन थे, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद हो गई होगी। और जो बंगाल का विभाजन इसके संदर्भ में हुई, बिहार के संदर्भ में, यानी कि बिहार को अलग किया गया किनके समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय ही, यानी कि यहाँ पे भी बंटवारा वाला चीज़ कुछ आ रहा है, तो यहाँ भी वो वाला ट्रिक याद हो जाएगा। पूनन शिकारी जो निवास स्थान है, पूनन शिकारी का जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है, बोर्नियो। देखिए पूनन याद करने का पहले तरीका बता देते हैं, जो पुण्य करना चाहते हैं, पुण्य मतलब कि होता ना कि बहुत सारा पाप कर लिए, अब जब एज आ गई मतलब कि बुढ़ारी का एज आ गई यानी कि वृद्धावस्था आ गई, तो हम लोग पुण्य करना चाहते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो वृद्धावस्था हो जाता था तो वन में चले जाते थे और तपस्या करने लगते थे पुण्य कमाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पहले के ज़माने में होता, अब तो कोई वन जाता नहीं है, अब वृद्धाश्रम मतलब कि लोग को भेज दिया जाता है, वो अलग मैटर है। तो पुण्य करने के लिए लोग वन जाते हैं, ठीक है। पूनन जो शिकारी हैं, पूनन एक प्रकार का शिकारी लोग हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, बोर्नियो में पाए जाते हैं। बोर्नियो कहाँ पे है, ये एशिया में है, मलेशिया के पास है, इंडोनेशिया के पास है। बोर्नियो एक प्रकार का, आपको मैं बताऊँ, ये इंडिया है तो यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे ये आपका जावा और सुमात्रा वाला क्षेत्र है इंडोनेशिया का, और ये आपका बोर्नियो है, ठीक है। ये मलेशिया है, यहाँ पे ये बोर्नियो है। बोर्नियो एक प्रकार का आइलैंड है, ठीक है,
एक द्वीप है, इस पे तीन देशों का कब्जा है, यहाँ पे ब्रुनेई का कब्जा है, यहाँ पे मलेशिया का और फिर इंडोनेशिया का, यानी कि बोर्नियो द्वीप पे तीन देश का कब्जा है, ये भी पूछा जा सकता है। किसका किसका? इंडोनेशिया का, मलेशिया का और ब्रुनेई का। ब्रुनेई एक प्रकार का देश है, यानी कि आप इसको कन्फ्यूज नहीं करना है, आपको बोर्नियो और ब्रुनेई में कन्फ्यूज नहीं करना है कि दोनों एक ही हैं। बोर्नियो एक द्वीप है, उसमें एक देश है कौन? ब्रुनेई, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला क्षेत्र है, इसका पश्चिम क्षेत्र बोर्नियो का, पश्चिमी क्षेत्र बोर्नियो का, पश्चिमी क्षेत्र ब्रुनेई देश है, ठीक है। यानी कि और इसी में तीन देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। तो ये पूरा क्षेत्र में, बोर्नियो क्षेत्र में ही ये पाए जाते हैं पूर्ण शिकारी, ठीक है। तो पूर्ण शिकारी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बोर्नियो ना देखे पूछ दिया जाएगा इंडोनेशिया में पाया जाता है, तो ऑब्वियस है इंडोनेशिया में पाया जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया का ही पार्ट है, कुछ पार्ट है बोर्नियो। मलेशिया में पाया जाएगा तो मलेशिया में भी पाया जाएगा, ब्रुनेई में पाया जाएगा तो ब्रुनेई में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस तरह से जो भी क्वेश्चन थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाएगा आप उसका जवाब दे देंगे। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे है? देखिए इसरो है वो आपके कहाँ पे है? आपके बेंगलुरु में है। लेकिन अगर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका सेंटर कहाँ पे है? थुम्बा में। थुम्बा कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है ये बताने की जरूरत नहीं है, केरला में है। चिली साल्ट पीटर का, चिली साल्ट पीटर का जो ये है अयस्क है, वो चिली साल्ट पीटर किसका है? तो सोडियम का अयस्क है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो NaNO3 है, ठीक है। चिली साल्ट पीटर का याद करने का तरीका देखिए, चिली खाते हैं तो चिली तो ऐसे ही नहीं खाते हैं, चिली मतलब क्या होता है आपको तो पता है, चिली मतलब मिर्च होता है, तो चिली ऐसे ही तो नहीं खाते हैं, उसके साथ क्या मिला के खाते हैं? नमक मिला के खाते हैं। ऐसे भी आपने सुना होगा नमक मिर्च, ठीक है, एक साथ खाते हैं नमक मिर्च, यानी कि चिली खाते हैं तो किसका? चिली साल्ट पीटर किसका है? साल्ट ऐसे ही दिमाग में आते ही आपको सोडियम दिमाग में आ जाता है, तो चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। मेले राइट, अगर नहीं दिख रहा होगा देख लेते हैं एक बार फिर से, नहीं दिख रहा है, ठीक है अब दिख रहा होगा। मेले राइट जिसका फॉर्मूला क्या है? NiS, यानी कि निकल सल्फाइड, ठीक है। तो मेले राइट किसका अयस्क है? निकल का है, आप देख सकते हैं निकल का है। तो याद करने का तरीका देखिए, मिलने के लिए निकलते हैं ना, किन्हीं से मिलने के लिए निकलते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि किन्हीं से मिलना आपका राइट है, तो मिलने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, किन्हीं से मिलने के लिए निकलना पड़ेगा, इसलिए इस ये किसका अयस्क है? मिले राइट किसका अयस्क है? निकल का, ठीक है। तो आशा करते हैं आज जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आए होंगे, इसके पीछे का बैकग्राउंड भी मैंने समझाया और इसके पीछे का जो ट्रिक है वो भी मैंने समझाया कि कैसे चीज़ें आपको याद होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।